हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। रंगे तसव्वुफ किधर से मिलता है? सुखन को रंगे तसव्वुफ किधर से मिलता है? हकीक कूचे खैरुल बशर से मिलता है, हकीक कूचे खैरुल बशर से मिलता है। और इधर उधर ना भटक, इश्क है तो दिल्ली चल। इधर उधर ना भटक, इश्क है तो दिल्ली चल। शोले नाल तो खुशबू के दर से मिलता है। जी 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 हजरत, जी मोहतरम हजरात, देखिए हमारे अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब हमारे अध्यक्ष जी से बता रहे हैं कि मैं रामपुर का हूँ। और बहरहाल आम तौर पर जो मेरा मानना है, मैं देखा हूँ कि कोई भी सियासतदान वो दीनी जलसों में जल्दी नहीं आता है। वो दुनियावी जलसों में तो जाता है, मगर दीनी जलसों में जल्दी नहीं आता है। मगर कभी कभी अगर आ भी जाता है तो 10-5 मिनट के लिए बैठता है और चला जाता है। मगर कसम खुदा की मैं देख रहा हूँ, जब से ये जलसा शुरू हुआ है आप बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि सलातो सलाम पढ़ ही के जाएंगे। बहरहाल वो लोग क्यों नहीं आते हैं मैं बता दूं। जो और लोग हैं वो क्यों नहीं आते हैं? रात एक फरीदी गुलाम सलात सुनाए, आज की पहले बात जो है तमाम सालों में, यानी तमाम दिनों में अगर ये माने और ये हक है कि तमाम जलसे एक तरफ, आज की शबे शहूर का जलसा एक तरफ, आज की रात अगर अपनी बख्शिश की दुआएं की तमन्ना लेकर कोई जलसे इंतजार कभी भी आया है तो ये मेरा दावा है कि उसकी बख्शिश की परवाह की जमानत मिल जाएगी। हजरात नाजी में कोई वजन फुजन न करे, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आते हैं जो शान जलसा अपनी शान शौकत के साथ मनाया जा रहा है। आप हजरात अपनी जरूरत के तहत जाए, बाकी इस जलसे को जो है वजन फुजन की तफरका का माहौल न पैदा करें। जोहरे सब्र के एहसास से डर लगता है। जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई प्यास से डर लगता है। और इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। और कसम खुदा की ये जो हमारे ये हाफिज़े कुरान भी है ना, हाफिज़े ज़ुबैर अहमद हाफिज़ुल्लाह, ये जो इस इलाके में जीत कर आए हैं और वो भी 12वीं वाले का मैदान लेकर के 1200 वोटों जीत के आए हैं, तो मैं कहता हूँ इनका जो दिल का जो दिल की बात है वो मैं आपसे कह दूँ। ये जो चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, आप एक मतलब और एक शेर में सुनिए कि अमन वतन की सरजमी को अमन का दरखान बनाना है। इनकी ख्वाहिश है कि वतन की सरजमी को अमन का दरखान बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उसे चंदन बनाना है। जो शाखें नीम की हैं अब उसे चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिलों की रोशनी बनाना, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। दोस्तों यही पहले
शबनम से गुल वजू कर ले। अब इससे पहले मैं शबनम से गुल वजू कर ले, हमारे चले भी आओ, जरा तुमसे गुफ्तगू कर ले। अल्लाह नजरों में मेरी, अल्लाह कसम 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 नजरों में मेरी। जब गुंबद खज़रा होता है, अल्लाह कसम नजरों में मेरी, अल्लाह कसम नजरों में मेरी। जब गुंबद खज़रा होता है, अल्लाह कसम नजरों में मेरी। जब गुंबद खज़रा होता है, लगेगा कि टांडवी भाई आए और पढ़ करके चले गए। दोनों हाथों को लहरा के जवान बोल दो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को दीवान में लहरा के बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं फिर से मतलब पहुंचाता हूं नबी के मोहतरम की खुशबू से, तो मतलब सुने लगे शायरी हो गई है तब बोले, पहुंचाता हूं। अल्लाह कसम नजरों में मेरी, जब गुंबद खज़रा होता है, लोगों की दुआएं शामिल है। इससे मैं पहुंचाता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ सुने, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप या रसूल अल्लाह बोले। आप दोनों हाथों को लगा के दीवानों बोल दो या रसूल अल्लाह। शेर सुने, तआज़ीम नबी ने हूर मना, तआज़ीम नबी ने हूर मना, तआज़ीम जाते हैं पाके उनकी छला, तआज़ीम नबी में हो मना, झुक जाते हैं पाके उनकी छला। शेर पर
शायरी आपके दामन तक पहुंच रही, जिम्मेदारी बनती है दोनों हाथों को ले रहा के जो ना बोल दो या रसूल अल्लाह। एक शेर में पहुंचा था माशाल्लाह। अच्छा मतलब मैं सिर्फ शेर पढ़ दूं, आखिरी शेर सुने उसके बाद इंशाल्लाह फिर किताब होगा, जिंदगी रही फिर मैं सुनाऊंगा। आखिरी शेर सुने शबीर ने दीवाना, बोल दो बोल दो बोल, शबीर ने ये हुसैनी मजमा बोल दो या हुसैन, शबीर ने हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।